सबको जय मसीह की। आज बहुत सारे न्यू फेसेस देख के बहुत अच्छा लग रहा है और आपको और इनको भी देख के हमें अच्छा लग रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो सब लोग कैसे हैं? कैसे हो? ओके, आज हम ये हमारा जो हिंदी सभा है वो शुरू करने से पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हम लोग, मेरा ये आई थिंक ये फर्स्ट है इस न्यू ईयर में, एंड मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमें इतनी सुरक्षित रीति से उन्होंने, यू नो, 2020 जो था इतना हिस्टोरिकल ईयर था और परमेश्वर ने वो स्टॉर्म से हमें, यू नो, 2021 में लेकर आए हैं। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। हमारे परिवार के हर एक सदस्य को उन्होंने सुरक्षित रखा है और तकलीफ बहुत आए थे लेकिन उसमें से गुजरते हुए हम लोग अब जा रहे हैं और प्रार्थना जारी है। पूरा चर्च ग्लोबली सामना कर रहा है इसका, है ना? हम लोग सब इसका जो सल्यूशन है, हमारे घुटनों पे हम लोग इसका सल्यूशन मांग रहे हैं, है ना? और हम लोगों ने सबने देखा है कि कैसे परमेश्वर हमें लीड कर रहे हैं। और 2021 में हमने प्रोफेसाई किया है कि तूफान चाहे कुछ आ जाए, कलीसिया को परमेश्वर आगे ले जाए, है ना? और ये संभव भी है। तो हम लोग भजन संहिता पढ़ के आज की ये सभा जो है शुरुआत करेंगे। जो भी दर्शक आज हमें देख रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी ये जो सभा है आपके लिए आशीषित रहे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं भजन संहिता 95। किसी को पता है 95 को हिंदी में क्या कहते हैं? ओके, तो मैं एक वचन पढ़ूंगी और आप मेरे पीछे दूसरा वचन पढ़ सकते हैं। सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? प्रतीक्षा, सबसे पहला जो वचन है 95:1, उसमें ऐसा कहता है, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करें उसके सम्मुख और जयकार करें। आमीन। तीसरा वचन, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया और स्थल भी उसी के हाथ का रख है। सातवां वचन ऐसे कहता है, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़े हैं। भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। नवा वचन, जब तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे परखा, उन्होंने मुझको जांचा और मेरे काम को भी देखा। आखिरी वचन हम लोग सब पढ़ेंगे साथ में, इस कारण मैं क्रोध में आकर शपथ खाई कि ये मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश न करें करने पाएंगे। ये सब मुझे बहुत अच्छा लगा। स्पेशली हम देखते हैं कि पहला और दूसरा वचन में ऐसा लिखता है कि ओ कम लेट अस सिंग अनटू द लॉर्ड, लेट अस मेक अ जॉयफुल नॉइस टू द रॉक ऑफ आवर सैल्वेशन। जॉयफुल नॉइस, परमेश्वर को जो साउंड बहुत पसंद है। अगर हम आखिरी वाला साम्स पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि जितने भी इस दुनिया के इंस्ट्रूमेंट है सब बजाओ। ही लाइक्स नॉइस,
नॉइज इन द सेंस जो वर्शिप हमारे हृदय से जाता है वो परमेश्वर के मुख में एक स्माइल लेकर आता है ना। और एक और वचन है इसमें जो जब भी हम प्रार्थना करते हैं ये वचन हम लोग जरूर प्रार्थना करना चाहिए। हम सबको पता है कि हम लोग बहुत आखिरी के दिनों में है ना। रैप्चर कभी भी हो सकता है और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हर एक प्रचारक और जो भविष्यद्वक्ता है सेकेंड कमिंग ऑफ द लॉर्ड रैप्चर इसके बारे में एंड टाइम्स के बारे में प्रचार कर रहे हैं ना। और वचन में कहता है कि परमेश्वर ऐसा कोई चीज नहीं करेगा अनलेस वो अपने दास को पहले रिवील ना करे, है ना। हम लोग ऐसे समय में है, हम लोग खुश है कि हमारा टिकट कट गया है ना। लेकिन अब क्या है, बहुत सारे चेयर्स खाली है, बहुत सारों को अंदर आना है। इसके लिए हमें प्रार्थना करना है, कलीसिया को प्रार्थना करना है कि परमेश्वर वो भी अंदर आ जाए, है ना। तो इसमें लिखा है सातवां वचन में क्योंकि वही हमारा परमेश्वर, आखिरी में ना, भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। Because today is a day of salvation. आज का दिन उद्धार का दिन है। और harden not your heart. तुम्हारा जो हृदय है उसको कठोर मत करो। जब हम प्रार्थना करते हैं हमारे परिवार के सदस्यों के लिए जिसका उद्धार नहीं हुआ है, हमें ये प्रार्थना करना है कि परमेश्वर आज का दिन, I'm not even saying tomorrow, I'm saying like today be the day of salvation for that person or for that friend of mine. ये वचन लेके हमको प्रार्थना करना है कि परमेश्वर ले आज का दिन उनका उद्धार का दिन हो, उनका जो हृदय है वो कठोर नहीं करना चाहिए। आमीन। तो आइए हम लोग सब प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं समय के लिए, धन्यवाद इसके लिए देते हैं कि क्योंकि हम आपके उपस्थिति में हम सब बैठे हुए हैं परमेश्वर, और वो जगह परमेश्वर जहाँ पे आपने हमें सुरक्षित रखा है आपके पंखों के तले परमेश्वर, हम सुन रहे हैं कि कितने लोग हमारे दाएं और बाएं तकलीफ में हैं और जो मर रहे हैं परमेश्वर, लेकिन सिर्फ हमारे आंखों से हम देख रहे हैं और परमेश्वर आप हमें चला रहे हो। और ये जो हिंदी सभा है परमेश्वर, हम जानते हैं कि काफ़ी लोग हमें देख भी रहे हैं, और हम प्रार्थना करते हैं कि आज का जो सभा है परमेश्वर हम सब के लिए एक आशीष का कारण बने। हम सब भूखे हैं परमेश्वर आपकी स्तुति और आराधना करने के लिए, क्योंकि हमें एक और मौका मिला है राजाओं का राजा और जो प्रभुओं का प्रभु है उनकी स्तुति और उनकी महिमा करने के लिए। और परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं जो कोई भी इस सभा में जुड़े हुए हैं परमेश्वर यहाँ पे और जो दर्शक हमारे हैं, हमारे हृदयों को आप तैयार करें आज के सभा के लिए, और जो वचन आज आप हमारे लिए ला रहे हैं उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये वचन हमारे जीवन में, हमारे हृदयों में बीज की तरह आए परमेश्वर, और हमारे जीवन को बदल दे परमेश्वर। ऐसा कोई भी कमी अगर हमारे जीवन में हो, ये वचन उस कमी का बदलाव होने का कारण बने परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। अगर ऐसा कोई भी है परमेश्वर जिसको शैतान गुमराह कर रहा हो या शैतान तकलीफ पहुंचा रहा हो, परमेश्वर आज के सभा में परमेश्वर वो जो शक्ति है, वो दुरात्मा की जो शक्ति है वो पूरी तरह से छूट जाए हमारे जीवन से, यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा के लिए जो यहाँ है और हमारी अगुवाई कर रहा है। ये पूरी प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन एंड आमेन। थैंक यू। आइए हम लोग सब ताली बजा के हमारे जो पावरफुल जो वर्शिप टीम है उनको आगे बुलाएं। यीशु मसीह की जय। जय जय मसीह। आज सुबह जैसे रीना आंटी ने शेयर किया कि प्रभु को शोर शराबा बहुत पसंद है, और वो शोर शराबा सिर्फ संगीत के रूप में नहीं पर हमारी स्तुति और आराधना के रूप में भी सबसे अच्छा लगता है प्रभु को हमारा। जब हम मन से गाते हैं, मन से उसकी स्तुति करते हैं, वो सबसे मधुर होता है प्रभु के लिए। और जैसे यरेमिया में 29:13 में कहता है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। इस नए साल में जैसे हम कदम रख रहे हैं, आज जैसे हम ये पहला गाना गाएंगे,
जीवन के प्रॉब्लम सब कुछ साइड में रखे, जोर से उसकी स्तुति करेंगे। ठीक है, आमीन। सब खड़े हो जाएंगे। आप शायद ये गाना ना जानते हो, लेकिन आपके ही भाषा में आप गा सकते हो। वो भी बहुत सारे
महान है, इतने महान है कि तूफान भी आपका सुनता है। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में जो भी तूफान आया है प्रभु, कि आप हमें शक्ति दे, शक्ति दे के हम खड़े हो सके और आप उस तूफान को मिटाए, हमें वो शक्ति दे के हम आपके नाम में उस पर उसके ऊपर शक्ति पा सके प्रभु। हम आपकी प्रशंसा करना चाहते हैं पूरे मन से, धन्यवाद कि आप हमारे परमेश्वर पिता हैं, आप हमारे परमेश्वर पिता हैं, कि हमने आपको नहीं चुना पर आपने हमें चुना। धन्यवाद प्रभु उसके लिए, धन्यवाद कि आप जैसा कोई नहीं हमारे जीवन में, धन्यवाद कि इस धरती पर ऐसा कोई नहीं जो हमें आप जितना प्रेम करे। धन्यवाद प्रभु कि हम कभी कभी गिरते हैं प्रभु, पर फिर भी आप हमें हाथ उठाकर
जैसे वापस घर जाए, कि एक नए हृदय से, एक नए आत्मा से जाए, हमसे बात करो, हमसे बात करो। Yeah.
बार ताली दें। इतना सुंदर आज का समय था स्तुति और आराधना का, है ना। और मैं जानती हूँ कि इस समय में जो भी लोग प्रार्थना कर रहे थे छुटकारा के लिए या उद्धार के लिए या कोई चंगाई के लिए, ये वाले समय में मैं जानती हूँ कि काफ़ी कुछ होता है ना। और अभी का जो समय है, अगर यरमाया का 33:3 जो है, सब बोलते हैं परमेश्वर का टेलीफोन नंबर है, वो कोई जानता है क्या वचन हो सकता है वो? यस, उसमें लिखा है कि परमेश्वर बोलता है कि आपके तकलीफ में आप मुझे बुलाओ, है ना। और वो कभी भी एंगेज नहीं रहेंगे, मैं बिजी हूँ थोड़ी देर बाद ना, ही इज ऑलवेज अवेलेबल। और वो बोलते हैं कि मैं उत्तर जरूर दूंगा, लेकिन काम क्या है? बुलाना, है ना। पुकारो या तकलीफ में आप मुझे पुकारो, आई विल आंसर, मैं जवाब दूंगा, एंड आई विल डिलीवर यू, मैं तुम्हें छुटकारा भी दूंगा। लेकिन उसका बात का जो है वो हम भूल जाते हैं। और उसमें लिखा है एंड यू विल ग्लोरीफाई माई नेम, जब छुटकारा मिलता है हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर को वो गौरव देने के लिए, है ना। तो अभी का जो समय है वही है ना, इट्स टेस्टिमनी टाइम। अगर आप में से ऐसा कोई भी है जिसे लगता है कि मैंने परमेश्वर को पुकारा, उन्होंने मुझे जवाब दिया, और इसके लिए मैं यहाँ पे खड़ा होता हूँ या खड़ी होती हूँ परमेश्वर की गौरव के लिए, अगर कोई भी है तो आप आगे आ सकते हो। Thank you.
बिल्कुल दे, प्रभु ने तरोताजा करके यहाँ पे लेके आया और आत्मिकता में ताजगी लाने के लिए। हालेलुया। एक्चुअली मेरी आवाज बहुत बुलंद है, माइक यूज नहीं करूंगा बिकॉज ऑफ कोर्स देन माइक स्टैंड होना, फिर कुछ और होना, फिर कुछ और होना। सो प्रेज बी टू गॉड। हालेलुया। आप सब खुश है? Yes. अगर आप सही में खुश है तो अपने पड़ोस वाले को पूछिए कि भाई आप खुश है क्या? भाई है तो भाई, बहन है तो बहन, प्लीज खुश है क्या? खुश हो? सच्ची? यू नो, कभी कई बार ऐसा होता है, हम लोग आज के जमाने में आर्टिफिशियल ज्वेलरी इज वेरी एट द पीक, यू नो ऑल द टाइम हम लोग देखते हैं कि नकली जेवर, नकली सब कुछ, प्लास्टिक स्माइल भी हो गई, मीनिंग कोई रीजन नहीं है, बस दांत निकालना। बट हमारे पास क्या है? बहुत बड़ा रीजन है, राइट? हमारे पास क्योंकि यीशु मसीह है, इसलिए हमारे पास बहुत महत्वपूर्ण और जोरदार रीजन है प्रभु को सेलिब्रेट करने के लिए। हालेलुया। थैंक यू ब्रदर फॉर सेटिंग माय, दैट्स व्हाई इट्स गुड, डोंट पुट द प्रोजेक्टर, दैट्स ऑल, थैंक यू। हालेलुया। Once you get a musician, तो ऐसे होता है, थोड़ा सा एडिट्यून है तो फिर राइट, हम क्यों ना जल्दी से खड़े हो जाए, just spend some time, little time प्रभु के वर्शिप में, और उसके बाद Lord, this is a cry from you, yeah. You got them from you, say. You say, man, that we don't have our thoughts of the mother, our redeemer, come on. Chule, teri aapma se chule, come on. Ori ala ba la ba la ba 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 se. Veri soche, veri soche bane. तेरी बातें मैं जुबां पे रखूं, तेरा मन जैसा मेरा मन हो, तेरी इच्छा मैं जीवन में करूं, तेरी सोचे, तेरी सोचे मेरी सोच बने, मेरा मन जैसा मेरा मन हो, तेरी बातें मैं जुबां पे रखूं, राज़े दिल से मस्सा तू कर, राज़े दिल से मस्सा तू कर, वाकरू से भर दे Hallelujah, hallelujah.
धन्यवाद हो। जब कद ऊपर हो, थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो, तो ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें सोचना पड़ता है। किसी घर में घुस कर ठप करके सिर पड़ता है पहले, क्यों? क्योंकि दरवाजे छोटे हैं। प्रभु ने जब मुझको बना रहा था, तो एक्चुअली मेरी मम्मी का प्रेयर था, प्रभु एक ही औलाद दे, एक ही बेटा दे, दस नहीं एक ही चाहिए, लेकिन उसको मैं तेरे लिए दे दूंगी। बिकॉज शी वॉज, उनके जीवन में बहुत सारी मुश्किलें थी एंड उनका ऐसा मानना था, बिकॉज उस समय यू नो पुराने ने हमारे फैमिली के अपने जनरेशन के पहले वाला जो जनरेशन है, दैट इज एज गुड एज ओल्ड टेस्टमेंट। सो हमारे जो ओटी फैमिली थी, उनका मानना था कि बेटा अगर आया तो ठीक है, बेटी अगर आई तो गड़बड़ है। सो पहली जो जन्म हुई वो बेटी थी, बहन थी मेरी। सो उसमें थोड़े से वो उत्साहपूर्वक नहीं थे सब दादा दादी और बाकी लोग, बिकॉज बहुत सारे घर तोड़ने वाले बहुत लोग रहते हैं, दादा तो नहीं बट बाकी आजू बाजू बहुत कुछ बोल देते हैं, अरे अजीब लोग क्या कर तुमने, बेटी पहला बच्चा बेटी क्यों। सो ऑल ऑफ दैट, उसकी वजह से क्या हुआ कि मामा का थोड़ा जीवन तकलीफ में आ गया। पापा बहुत अच्छे थे, बहुत प्यार करते, सब कुछ था, लेकिन जब आजू बाजू माहौल ठीक नहीं है तो फिर जीना बहुत हराम हो जाता है, राइट? सो उस वजह से क्या हुआ कि मम्मी ने प्रार्थना करी, प्रभु मुझको एक ही औलाद चाहिए, अब सिर्फ वो तेरी सेवा के लिए रहेगा। बिकॉज उनका सिम्टम्स ऐसा था कि पूरी तरह से सारे लोग बोल रहे थे, अरे फिर से इसको बेटी ही है। You know, when you have a big stomach and you know, there are quite a lot of symptoms that people see. लोग देखते हैं, अच्छा अरे यार इसका तो पेट थोड़ा सा ऊपर है तो ऐसा है, so many things. I mean, ladies talk quite a lot, right? जब बहने बात करती है तो बहने बहुत कुछ बात करती है। Of course, I come, मैं जहां से आता हूँ कारुनिया से, कारुनिया में दो टाइप के बच्चे हैं, बॉयज एंड गर्ल्स। सो बॉयज टॉक अबाउट गर्ल्स, लड़कियां बॉयज के बारे में बात करती हैं, दैट्स ऑल। फॉर आवर्स एंड आवर्स दैट कैन गो, फॉर घंटों घंटों ऐसे चल सकता है, बिकॉज सेटिंग एंड फिटिंग, दैट्स क्वाइट लॉट, बहुत कुछ होता है जो एडजस्टमेंट्स और ये सब चलता है। बट ऑफकोर्स एज द डेज गो बाय, हम लोग सुनेंगे बहुत सारी कहानियां, बिकॉज मेरे को प्रभु ने जो जो क्षेत्र में लेके आया, तो उस वजह से देयर विल बी लॉट ऑफ स्टोरीज कमिंग इन। ओके, सो मैं जो बता रहा था मामा के बारे में, वो ये था कि उनके सिम्टम्स देख के सब बोले कि लड़की है, मम्मी बोले कि नहीं मेरे को तो बाबा चाहिए, मेरे को तो बेटा चाहिए और तू ही देगा। तो ऐसा हुआ कि 10 महीना हो गया पार, 11 महीना लग गया, 11 महीने खत्म होने को 11 दिन बाकी है, 11 तारीख को भाई साहब पधारे। सो इट वॉज हाईली इम्पॉसिबल, बिकॉज पीपल बिगन टू से कि अरे यार ये गर्भ नहीं है, ये ट्यूमर हो सकता है, बिकॉज वेन यू हैव प्रोलॉन्ग टाइम, इतना लंबा समय इज अबनॉर्मल। सो जब हम पैदा हुए तो बिल्कुल हष्ट पुष्ट थे, खाते पीते खानदान के थे, घरपुर घरानी के थे, बिल्कुल कोई कमी नहीं, कोई घटी नहीं। एंड बच्चा अगर मेरे साइज में, मतलब मेरे उम्र में जो जितने बच्चे थे वो 2 महीने खेल रहे थे ऑलरेडी, एंड अपन जस्ट अराइव हुए थे। तो अराइव होने की वजह से क्या हुआ कि उनका साइज और अपना साइज हैच मैच डिस्पैच से बहुत ज्यादा ऊपर था। सो प्रेज गॉड, प्रभु ने हमेशा ऐसी रखा, जो क्लास में गया सबसे ऊपर कद में।
उतना ब्रेनी नहीं था, बहुत ज्यादा होशियार नहीं था, लेकिन प्रभु का बहुत डर था। मेरे को मम्मी ने एक चीज सिखाई थी कि अगर कुछ गलत करो तो पड़ेगी, साथ में मम्मा बोलेगी कि घुटना टेक और प्रभु से माफी मांग। राइट फ्रॉम छोटपन, एकदम छोटा बच्चा था, माँ को से थोड़ा सा बड़ा हुआ हूँ बस, उस समय से मेरे को याद है कि मेरे को पढ़ती थी एंड मम्मा बोलती थी गो एंड प्रे, आस्क जीसस फॉर फॉरगिवनेस। सो वहां से अगर ऐसी परवरिश हो बच्चे की, जब उस उम्र से ही तुमको प्रभु का भय सिखाया गया, तुमको डिपेंडेंस सिखाया गया प्रभु के ऊपर रहने के लिए, सो तुम्हारी परवरिश थोड़ी सी अलग हो जाती है, बिकॉज परमेश्वर की आत्मा तुमसे बात करना चालू कर देती है। राइट, हालेलुया। बिकॉज हम हमेशा चाहते हैं ना कि हमारा माहौल ऐसा हो कि हम जो भी कर लें परमेश्वर की उपस्थिति हो साथ में, हालेलुया। सो उस उपस्थिति को मद्देनजर रखते हुए हम आज के वचन के ओर बढ़ेंगे, हालेलुया। आज के वचन का जो शीर्षक है वो मेरे जीवन का मकसद क्या है, मेरे जीवन का मकसद। यू नो व्हाट, हम सबों को भी जो भी हम लोग यहाँ पे देखे, घड़ी देख रहे, इसका कुछ एक मकसद है। राइट, उसको बनाने वाले ने कुछ सोच के बनाया। घड़ी क्यों बनाया, क्यों होना भाई, देखो टाइम, सूरज को देख टाइम मालूम पड़ जाएगा, ऐसा पता चल सकता क्या? नो, सूरज की कभी तो बादल आते कभी तो बादल नहीं आते, सूरज निकलता मूड में आया तो नहीं निकलता, उसके ऊपर डिपेंड कर सकते हैं अपन, वी हैव टू डिपेंड ऑन। जब इस पे अगर डिपेंड करना है तो हाथ घड़ी होना कि बॉल घड़ी होना, राइट। सो फॉर एवरीथिंग देयर इज अ पर्पस, उसके लिए एक डिजाइनर, डिजाइनर ने कुछ सोच के डिजाइन बनाया उसकी, राइट। ये ट्राइपॉड स्टैंड क्यों बनाया, क्योंकि हाथ में पकड़े कैमरा कब तक खड़े रहेगा, राइट। इसका एक डिजाइन है, क्यों है, उसका एक रीजन है, एक पर्पस है, उसका उद्देश्य है। उसका उद्देश्य क्या है कि वो मोबाइल को होल्ड करके रखे ताकि वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड कर सके, हमारा हाथ फ्री रहे, राइट। गिटार का स्ट्रैप है, अगर गिटार का स्ट्रैप नहीं है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, चेयर पे बैठना पड़ेगा, राइट। क्यों, बिकॉज स्ट्रैप नहीं है, इफ स्ट्रैप इज देयर मैं खड़े होकर आराम से बजा सकता हूं, हालेलुया। फॉर एवरीथिंग द चेयर दैट यू आर सिटिंग हैज अ पर्पस, फॉर दिस टेबल, फॉर दिस थिंग देयर इज अ पर्पस, फॉर ऑल द वॉल्स, एसी, फैंस, पर्दे, जो कुछ दिख रहे उन सबका एक उद्देश्य है, एक मकसद है। अपना मकसद क्या है, बाजू वाले से पूछो, भाई आ तो गए हो, मकसद क्या है, हालेलुया। ब्रदर एंड सिस्टर से यार, यार 20 पहले से 20 साल पहले पूछ लिया अपने, अपना तो मकसद पार हो गया, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। नाउ प्रभु ने जब हमको बनाया, जो डिजाइन दिया, इंसान के शरीर एक बहुत ही आधुनिक यू नो मशीनरी है, वर्ल्ड का कोई भी मशीनरी इंसानी शरीर को आउटबीट नहीं कर सकता, हरा नहीं सकता। प्रभु ने दिमाग जो दिया, जो आंखें दी, आंखें का रेटिना, उसके जितनी कॉम्प्लेक्सिटीज है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। हमारा फिंगरप्रिंट पूरे विश्व में जितने लोग हैं उनमें से किसका भी मैच नहीं करेगा, आंखों का प्रिंट किसी से भी मैच नहीं करेगा, जबान का एक प्रिंट है वो भी किसी से मैच नहीं करेगा, डीएनए किसी और से मैच नहीं कर सकता है। क्यों, बिकॉज गॉड हैज मेड यू, प्रभु ने हमको उसके स्वरूप में बनाया, किसके, उसका नाक नक्शा के समान बनाया, क्या कैसा बनाया, कैसे बनाया, हम उसके समान किस चीज में दिखते हैं, शरीर में दिखते हैं। प्लीज एक बार सब पलट के देखिए, अब एक मिनट को, आप सब एक समान दिखते हैं क्या, आप अपने आप को आईने में देख रहे हैं, दूसरे को पर्सन को देख रहे हैं तो नहीं दिख रहे, क्यों, क्योंकि हमको सबको मनुष्य जाति को प्रभु ने जब बनाया उसके स्वरूप में बनाया, हमारी आत्मा के अंदर, राइट। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय 26वां वचन को जल्दी से पढ़े, हालेलुया, देयर इज अ लॉट ऑफ टग ऑफ वॉर टुडे, बिकॉज थोड़ा सा वचन पढ़ना पड़ेगा फटाफट, हालेलुया, आई नीड योर हेल्प। Are you guys there with me? आप लोग मेरे साथ हैं? उत्पत्ति 1:26, 1:26। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें।
हालेलुया। हमको किसके स्वरूप में बनाया? प्रभु ने अपने स्वरूप में बनाया। आओ हम मनुष्य को बनाए, आओ हम। प्रभु परमेश्वर अकेला था कि उनके साथ और कोई थे? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तीनों थे, त्रिएक परमेश्वर। हालेलुया। वो अकेला नहीं, उसको इंसान की जरूरत है क्या? नहीं। उसको किसी और चीज की कमी है क्या? नहीं। वो अपने आप में संपूर्ण है, he is perfect in his himself। हालेलुया। उसको किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन उसको क्यों इंसान को बनाना था? धरती पे उसने सारे जानवर बना दिया, मछली बना दिया, सब सब बना दिया, झाड़ पेड़ पौधे सब कुछ लगा दिया, सब हरियाली से भर गया। किसकी जरूरत थी, किसकी कमी थी? क्यों मनुष्य की कमी थी? ताकि मनुष्य इस धरती पर प्रभुता करे। बोलिए, प्रभुता करे। That you and I should have authority. Hallelujah. 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 Praise God. I need it because we are going to move in together. Hallelujah. Hallelujah. Now, let us make man. When God said he, it was he talking about the Trinity, Father, Son, and the Holy Spirit. तीनों भी पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक साथ बात करे और एक साथ सलाह करके उन्होंने ये बनाया। कोई भी तीनों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो एक में के अगेंस्ट जा रहा है। प्रभु ने जो वचन दिया, प्रभु अपने वचन से कभी भी बाहर हट के बात नहीं करेगा। जो भी आपको अगुवाई देगा वचन के जरिए देगा। हालेलुया, आमेन। नाउ आई हैड वन ऑफ माय स्टूडेंट, यू नो, एक बंदा था, वो पुणे से है, अभी राइट नाउ इज इन यूएस, एमएस कर रहा है बच्चा। यू नो, एज यू ग्रो, ही वॉज इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सो जब आया हमारे कलीसे में आते थे और वो सारा फास्टिंग प्रेयर ये सब ज्वाइन करके बहुत उत्साहित हुआ, बहुत वचन में आगे बढ़ रहा था। तो जब वो सवेरे मध्यान अपना ये अध्ययन करता था वचन का, सो हम सबों को दृष्टांत मिलते, हमको स्वप्न मिलते, हमको यू नो वचन मिलते। ये बंदा ऐसा था कि उसको प्रोजेक्ट्स दिखते थे, मेरे को ये प्रोजेक्ट ऐसा करना है। ही वुड गेट द आइडिया लाइक दैट। आई मीन ही, यू नो, ही इज सिटिंग देयर, वो हमारे कॉलेज में बैठा है। सवेरे 4:30 ही वुड कम टू द प्रेयर रूम एंड ही वुड सिट देयर एंड आराम से टाइम स्पेंड करता था वचन पढ़ के। देयर ही वुड गेट, ओके, दुबई में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, व्हाट कैन हैपन इफ आई पुट एक छोटा छोटा टर्बाइन हर एक वॉल में, हर एक खिड़की में, बिकॉज बहुत स्ट्रॉन्ग विंड पावर है वहां पर, राइट? सो तूफान भी आते हैं तो जबरदस्त आते हैं। सो व्हाई कांट आई पुट टर्बाइन्स व्हिच विल कन्वर्ट द एनर्जी एंड पुट इट ऑफ इनटू, हालेलुया। कौन बात कर रहा है? परमेश्वर। कहां बात कर रहा है? वचन से। जब वचन पढ़ रहा है तो उसको ये मिल रहा है। हालेलुया। गॉड हैज डिफरेंट एंड यूनिक वेज। प्रभु के पास बहुत ही विभिन्न तरीका है बात करने का हमसे। हालेलुया। हर एक से बात करने का एक निराला अलग सा तरीका है प्रभु का। वो आपसे जैसी बात करेगा, आप जैसे उससे रिलेट करेंगे। ये नहीं है जरूरी कि कोई और वैसा ही रिलेट कर पाए। किसी को जो सो जाते हैं उस समय बात करता है, किसी को स्वप्न दिखा के बात करता है, किसी को वचन के जरिए बात करता है, किसी को किसी और व्यक्ति के जरिए बात करता है। प्रभु यहां पे क्यों हमको लेके आया? प्रभु तो करने के लिए, लेकिन अकेला करने के लिए? अच्छा, एक बात बताओ प्लीज, जो भाई लोग जो शादीशुदा है वो बताओ कि जब प्रभु ने नारी को बनाया, मिसेस ईव को बनाया, तो ब्रदर क्या कर रहे थे? यही तो प्रॉब्लम है। अक्सर भाई लोग बोलते, जो शादीशुदा भाई लोग है वो ये बोलते, अरे यार मेरी बीवी को समझ ही नहीं आती कैसी है। क्यों नहीं समझ आती? जब बनाई जा रही थी तो अपन तो सोए थे। दैट्स अ जोक। पर प्रॉब्लम ये है कि मेनी अ टाइम्स इवन इफ वी आर मैरिड वेरी क्लोजली नेट, नाउ मैरिज इज सपोज टू हैव लॉट ऑफ लव, राइट? बहुत ज्यादा प्यार होना, बहुत ज्यादा एग्रीमेंट होना, बहुत ज्यादा यूनिटनेस होना, बहुत ज्यादा यूनिटी होना, ओनली देन वी कैन रन टुगेदर। क्या दो पहिए, अगर एक पहिया बोले कि मेरे को इस तरफ जाना है, दूसरा पहिया बोले मेरे को इस तरफ जाना है, जाएंगे क्या? जब तक दोनों एक फ्रेम में नहीं आएंगे। You cannot walk together, be yoked together and walk in different direction. You have to walk in together only jab ek mat ho. Amen? Amen. So, Prabhu ne Prabhuta ke liye bulaya. Lekin ek mat kiske saath bulaya? Prabhu ke saath. Agar hum Prabhu ke saath agreement mein chalenge, usse
एक मनसा रख के चलेंगे तो ही हम एक साथ उसके साथ चल पाएंगे, तभी हम प्रभुता कर पाएंगे, तभी हम अपने अधिकार को पूरी तरह से प्रैक्टिस कर पाएंगे, तभी हम उसकी मर्जी को जान पाएंगे, तभी हम उसके चलाए चल पाएंगे। आमेन। ब्रदर हाउ मच टाइम डू आई हैव? 40 मिनट्स? नो, आई स्टार्टेड 20 मिनट बिफोर। वी कैन 35 40। थैंक यू। यू नो थिंग इज, हम कारुण्या से आए हैं तो हमारा क्लॉक बिल्कुल टाइम टू टाइम चलता है, इतना मिनट तो उतना ही, बिकॉज उसके ऊपर अगर हुए तो क्या है कि एवरीथिंग इज देयर आउटलाइन, सो आई एम सॉरी ऑनलाइन, सो अगर उससे दायरे से बाहर हुए तो थोड़ी सी आ जाती है। ग्लोरी टू गॉड। नाउ लेट्स सी, भजन संहिता उसका 139वां अध्याय और 13 से लेके 16वां वचन में अगर हम देखेंगे, पढ़ने की जरूरत नहीं है, इट्स इट जस्ट ये ऐसा बोलता है कि जब मैं गर्भ में मेरी माँ के रचा ही जा रहा था तब से तूने मुझे जान लिया, जब गहरी बातों में, जब मैं उस अंधेरे में, जब मेरी रचना हो रही थी, तेरी आंखों ने, तेरी नजरों ने मुझे देखा है, तूने मुझे वहां से पुकारा है, तू मेरे बारे में सब कुछ जानता है। हालेलुया। यूहन्ना 4:24 ये बोलता है कि परमेश्वर आत्मा है और जो कोई उसकी आराधना करे वो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे, ऐसे आराधकों की प्रभु खोज कर रहा है। हालेलुया। जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से, अगर आत्मा नहीं है तो सच्चाई पॉसिबल नहीं है, अगर सच्चाई है और आत्मा नहीं है तो डिसबैलेंस्ड है। हालेलुया। मेरी गाड़ी में अगर चार टायर्स है, चारों में मस्त एयर है, सब कुछ चकाचक है, सारा ऑयल, एवरीथिंग इज कूल, एसी इज वर्किंग, दिस इज वर्किंग, एवरीथिंग इज वर्किंग, बट आई डोंट हैव पेट्रोल, क्या होगा? गाड़ी का इग्निशन ऑन होगा, बैटरी भी फुल मैं लोड करके लेके आया, बढ़िया, बिल्कुल ब्रांड न्यू बैटरी, एक्साइड वाली लगा, उसके बाद कोई भी बैटरी लगाए, मैं एमरॉन लगा है, जो भी लगा, अगर पेट्रोल नहीं है तो गाड़ी काम ही नहीं करेगी, शुरू ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? उसको लगती है फ्यूल, उसको लगता है पेट्रोल, दैट पेट्रोल इज अ होली स्पिरिट। आमेन। यू कैन नॉट वर्क इन लाइफ, हम काम ही नहीं कर सकते अगर आत्मा नहीं है, बिकॉज अगर आत्मा नहीं है तो हम शरीर के चलाए चलेंगे, दैट्स व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज। आमेन। रोमन्स 8 इज अ पावरफुल चैप्टर फॉर ऑल ऑफ अस, वी शुड रियली मेडिटेट, हम लोगों को मेडिटेट करना चाहिए उस पर, बिकॉज बहुत कुछ सीखने के लिए उसमें। वो बोलता है कि जो परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वो ही उसके पुत्र है। हालेलुया। सो व्हाट हैज गॉड कॉल्ड यू फॉर? आपको कैसे बुलाया प्रभु ने? उसके पुत्र बन के जीने के लिए बुलाया है कि उसके दास बन के जीने के लिए बुलाया है? हालेलुया। रूल एंड रेन लाइक द सन। आमेन। लेकिन जब उसके वाटिका की बारी आती है, जब उसके कार्य की बारी आती है, जब उसके फील्ड की बारी आती है, तब हमको कैसे काम करना है? उसके विश्वासियों के दास के समान काम करना है। अगर हमको हमारे हृदय में पिता का प्यार है, पिता के लिए बहुत सारा भय प्रेम है, तो हम कैसे प्रेम करेंगे और कैसे काम करेंगे? हम जिएंगे उसके लिए, जो भी हमारा बोलचाल रहेगा उसके लिए, हम सारी रीति में हर बात में उसको पहले आदर देंगे, उसको पहले सम्मान देंगे, उसको पहला स्थान देंगे, उसके बाद ही हम जो भी करेंगे, और जो कर रहे हैं हम लोग अपनी मर्जी से नहीं। अरे यार मेरे को मार्केट में रहना है, काम करना है, तो थोड़ा सा घुस देना पड़ेगा, थोड़ा इधर उधर एडजस्ट करना पड़ेगा, भैया इधर तो नहीं चलेगा। हालेलुया। गॉड हैज कॉल्ड अस ऑल टू लिव इन righteousness and truth. Amen. हमारे जो काम करते, प्रभु का वचन बोलता है तुम जो कुछ करो सब कुछ ऐसा करो कि तुम परमेश्वर के लिए कर रहे हो। Amen. तो अगर परमेश्वर के लिए करना है तो फिर झूठ की जगह है क्या? प्लास्टिक की जगह है क्या? आर्टिफिशियल की जगह है क्या? There is no place. You cannot predict. You cannot, sorry, how would I say? तुम दिखावा नहीं कर सकते, मुखौटा नहीं पहन सकते। Amen? जब परमेश्वर के भवन में जाते हैं हम लोग, तो कितना भी मुखौटा पहन के जाएं, प्रभु क्या देख रहा है हमारे? हालेलुया। यही तो है सेटिंग, तो इधर होना,
आप जो भी पहन के जाओ, जितना भी डेकोरेशन मार के जाओ. Recently, I was there in one of the services. This pastor came over and he was saying, "Arey, aapki church is so wonderful. Even actually, in fact, when I was worshiping here, you know, I was not hearing a single off note, and I was, wow, I am in a very good church, man. Praise God, Lord. I thank you for such wonderful singers. You know, because many a times when we go to church, you see all natural harmonies coming in from every direction. Every single note in the key will be, every person will be in different note." But yet God brings forth a wonderful worship out of it all. जितना off note है, सही note है, जो भी है, सारे note को प्रभु एक साथ मिलाना जानता है. लेकिन वो सारे अगर different notes microphone पे आ जाए तो problem हो जाता ना. वैसा detuned वाला नहीं है. Praise God. Your church is so good. God bless you. Hallelujah. Worship team, you guys did so wonderfully. God bless you all. Glory to God. Now let's see. We are in the master's design. Amen? Amen. Master's design. किसके design में है? प्रभु ने हमको एक सोच विचार करके उसके स्वरूप में बना के इधर भेजा. किस लिए भेजा? बैठने के लिए नहीं, डरने के लिए नहीं. प्रभु ने हमको भय की आत्मा दिया क्या? नहीं. कैसी आत्मा दिया? शांत मन की आत्मा दिया. Hallelujah. Hallelujah. God has given us a spirit of love, power and sound mind. प्रेम की आत्मा दिया, सामर्थ की आत्मा दिया. क्यों दिया? क्योंकि तुम कोई भी अगर परेशानी में घिरो तो हड़बड़ी में कुछ गलत डिसीजन नहीं लो. शांत हृदय क्यों होना? टू टेक द राइट चॉइस. Hallelujah. सही निर्णय लेने के लिए ना. Amen. Now, let's see. Colossians 3, 9 and 10. Colossians 3, 9 or 10. Jaldi se padhiye. By the time wo vachan nikal raha hai, ek aur vachan hai jo bolta hai ki sabhi ne paap kiya hai aur sabhi parmeshwar ki mahima se vanchit hai. Sabhi parmeshwar ki mahima se gire hai. Right? So, उस चीज को याद रखें. आपकी सिस्टर पर कभी एक दूसरे से झूठ नहीं बोले. आई क्या बोले? तुम्हें कहा बोले ब्रदर सिस्टर? हालेलुया. कभी एक दूसरे से झूठ नहीं. हस्बैंड वाइफ से, ब्रदर सिस्टर से, अनजान अनजाने से, क्योंकि हमारे साथ कौन चल रहा है? परमेश्वर तेरा रचने वाला तेरे भीतर वास करता है, तेरे भीतर रहता है, तेरे साथ चलता है. तो तू क्या कर? एक मिक से झूठ मत बोल मेरे बच्चे. आप लोगों ने अपना पुराना स्वभाव और उसके कर्मों को उतार कर एक नया स्वभाव धारण किया है. हालेलुया. यह स्वभाव अपने सृष्टिकर्ता का प्रतिरूप बनकर नवीन होता रहता और पूर्ण ज्ञान की ओर आगे बढ़ता है. हालेलुया. प्रभु ने हमको उसके समान सा बनाया है और साथ में हमको ये बोला है कि तुम्हारा जो स्वभाव है पुराना वाला, तुमने वो छोड़ दिया. द डे यू एक्सेप्टेड जीसस, उस दिन तुमने क्या किए? मुझको पहन लिए. तुमने अपना पुराना स्वभाव, पुराने विचार, पुराने आचार, पुरानी आदतें, पूरा सब कुछ पुराना बीत गया. प्रभु में तुम नई सृष्टि हो. नई सृष्टि इज, अगर मैं बहुत ज्यादा डरपोक था तो मैं डर नहीं रहेगा. फिजिकली कुछ चेंज हो रहा है? सराउंडिंग में सब कुछ चेंज हो रहा है? नहीं. चेंज किधर हो रहा है? कोई और देख पा रहा है? इमीडिएट नहीं दिखेगा. महसूस कौन कर पा रहा है? यू विल फील इट. हालेलुया. कितने बार ऐसा हुआ कि हम लोग जब प्रार्थना करने के लिए आते हैं रूम में, रूम विजिट्स, नो वी हैव दिस ह्यूज कैंपस, 8,000 स्टूडेंट्स विल लिव देयर. सो वो रहने के बाद क्या होता है कि हम लोग शाम में, रात में, बाय द वे यार, यूथ जनरेशन में बहुत खतरनाक है आज की. हम लोग सब सोने का समय मैक्सिमम, हमारे यू नो वी बिलोंग टू ओल्डी, ओल्ड टेस्टामेंट टाइम, सो हमारा समय में मैक्सिमम बच्चा 10 बजे 11 बजे उसके बाद तो टपकना ही है. बिकॉज अगर नहीं टपकेगा तो मम्मा या पापा डंडा लेके आएगा. इधर ऐसा नहीं है.
इधर तो 11 बजे के बाद दिन शुरू होता भाई, 2 बज रहा, 3 बज रहा, 4 बज रहा, सर चालू है सब चकाचक, यू नो व्हाट, यू नो इन आवर हॉस्टल हम जब राउंड्स पे जाते हैं मिलने के लिए, देखने के लिए, तो वहां पैराफिट पे भाई लोग लगे हैं फोन पे, है क्यों भाई इतना, सर लविंग हार्टेड सर. एट टाइम्स एक रिसेंटली 1.5 साल पहले एक ऐसा हुआ, बच्चा 3rd फ्लोर पे पैराफिट वॉल पे अपनी महबूबा के साथ बहुत लगातार वार्तालाप, बिल्कुल गहरी, यू नो हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन वॉज गोइंग ऑन, ही डिडंट नो एंड ही डिडंट कम टू नो, उसका कमर सुन्न पड़ गया, सो ही जस्ट वॉन्टेड टू टिल्ट एंड ही टॉपल्ड, वहां से गिरा 3rd फ्लोर से, तो जो तार रहते हैं ना कपड़े सुखाने के उस पर गिरा, उसके बाद वापिस 2nd वाले तार पे गिरा 2nd फ्लोर के, उसके बाद 1st वाले तार पे गिरा, उसके बाद सीधे नाली में गिरा, इतना प्यार. हॉस्पिटल में जब हम लोग गए उसको मिलने के लिए, सब बहुत अच्छे से मिले, एक दोस्त आया उसको मिलने के लिए, बिकॉज ही वॉज एक्चुअली हैविंग अ फाइट, एंड आफ्टर दैट ही हैड डिसाइडेड दैट ही विल, उसने टेक्स्ट भेज दिया था अपने दोस्त को, उसको दोस्त को ये नहीं मालूम था कि ये हॉस्पिटल में, एंड ही वॉज नॉट इन द रूम जब वो सवेरे उसको ढूंढने को गया, जब टेक्स्ट पढ़ के तो हड़बड़ा गया था, वो गया हॉस्पिटल में, उसको मैं ले गया, एंड आई वॉज जस्ट एंटरिंग देयर, दिस गाय हिज नेम वॉज नागेश एंड देयर वर अदर्स, सो जब दोस्त बहुत गहरी दोस्ती होती है, कैसे बहुत लगातार एकदम एक साथ मिलते हैं, अच्छे से खुशी से मिलते आके, ये भाई गया, सिस्टर उसको यू नो इंजेक्शन लगा रही है, डॉक्टर इज जस्ट बिसाइड चेकिंग द पल्स ऑन द अदर हैंड, दिस गाय कम्स सिट्स ऑन हिज बेड एंड स्लैप्स, फटाफट मार रहा है, क्यों क्या हुआ यार, डॉक्टर डर गई, नर्स डर गई, सब चिल्लाना करना चालू, एंड इन दैट मिडल आई एम जस्ट एंटरिंग एंड आई एम लुकिंग एट, हे आई हेल्ड हिज हैंड, फर्स्ट ग्रैब्ड हिम आउट, भाई क्या कर रहा है वो, पहले ही मार रहा है आलम, और उसको इतना प्यार मत दिखा कि वैसे मर जाए, आउट ऑफ ट्रू कंसर्न ही वाज शोइंग अ ह्यूज लव फॉर हिम, बट मारपीट, प्रभु जानता है, प्रभु देखता है, प्रभु समझता है, हालेलुया. मेनी अ टाइम्स हमारा एक्सप्रेशन बहुत गलत हो जाता है, लेकिन हमको वैसा एक्सप्रेशन में नहीं जाना, क्यों, अगर आत्मा के चलाए चलते हैं तो शांत हृदय के साथ हम आउटबर्स्ट नहीं होगा, हमारा एंगर भक से नहीं आ जाएगा, गुस्सा एकदम दंदना के नहीं आएगा, जो मिला उस पे फायर नहीं होगा, क्यों, आत्मा के चलाए चल रहे हैं, हालेलुया. सो झूठ मत बोलो, एक मेक से प्यार करो, एक मेक के साथ रहो, और क्या करो उसमें कुछ, पुराना मनुष्यत्व बीत गया, नया मनुष्यत्व आ गया, क्या किया तुमने, प्रभु को पहन लिए, प्रभु को पहन लिए तो हमने किसका नेचर ले लिए, क्या प्रभु तुम्हें दिखता है, क्या तुम्हारा स्वभाव, क्या तुम्हारी बातें प्रभु यीशु की सी है, क्या हम प्रभु यीशु के समान उतने सामर्थ्य में चलते हैं, क्या हम जब कहीं भीड़ में घुस जाते हैं, जहां कहीं जाते हैं, चीजें बदलने लगती है क्या, डू वी मेक द चेंज, हालेलुया. हम जिस दुकान में खड़े हो जाए लाइन लग जाती है, अमिताभ भाई का वचन ही है, दैट इज द ब्लेसिंग यू मूव इन, हालेलुया. आप उस आशीष के साथ चलते हो, जो कुछ काम आप हाथ में लेते हो उसका बरकत ही आता है, बरकत ही आते चले जाता है, हालेलुया. गॉड हैज कॉल्ड यू फॉर लीडरशिप, फॉर द ट्रूथ, फॉर मूविंग इन पावर, फॉर मूविंग इन फ्रीडम, बहुत उद्धार के प्रभु ने उसके सामर्थ्य के साथ भेजा है आपको, आपका ही उद्धार करने के लिए नहीं, गैरों का भी. Amen? So, हम जब चले, हम जब जिए, हम जब साथ रहे, किसके समान रहे, प्रभु. हमारा डिजाइन कैसा है, उसने हमको प्रभुता के लिए बुलाया है, हालेलुया. So, हमारी परिस्थितियों में हम क्या करें, प्रभु को पुकारे, प्रभु तेरा वचन कहता है, तूने अपने वचन में दिखाया, यू सर्च अ सिचुएशन, एक सिचुएशन को ढूंढो वचन में, अगर बीमारी आए प्रभु यीशु के लहू के नाम, प्रभु तेरे नाम से मैं मांगता हूं, तेरे लहू बहाने से, तेरे कोड़े खाने से ये लहू बीमारी चंगी हुई है, तूने उस महिला को चंगा किया, इसको चंगा कर, हालेलुया. तूने पतरस की सासू माँ को चंगा किया, तूने पतरस की सासू माँ को क्या किया, उसके बुखार को डांट दिया, निकल जा, निकल गया,
प्रभु ज्यादा बहुत लंबी लंबी प्रेयर नहीं करता था ना, छोटी प्रेयर करता था, दूसरों के सामने सिर्फ आप क्या करता था, ऑर्डर देता था। बट हिज पर्सनल टाइम विद गॉड वॉज, उसका पर्सनल टाइम कैसा रहता था, होल नाइट। तो प्रार्थना का समय हमारा कैसा हो, दैट क्वालिटी टाइम इफ वी कैन स्पेंड विद द लॉर्ड, वी विल डेफिनेटली बी रूलिंग, हम सही में प्रभु तक कर पाएंगे। हालेलुया, अपनी आंखें बंद करें, समय हो गया है। थ्री का सोतो हो रिया लवासी थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु ने हमको दुनिया के समान चलने के लिए नहीं बुलाया, प्रभु ने हमको उसके समान चलने के लिए बुलाया, उसके समान जीने के लिए बुलाया है। Hallelujah, thank you Lord, 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 lead us, O Father, lead us, O Father, lead us, O Father. Rabba sese de berrada logo hura di ala ba 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 ba. Radia ban ke aaye, zindagi ke fikr. Amen. May the Lord bless you.